गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैप्पी छठ पूजा। सबसे पहले सैल्यूट है उन लेडीज़ को जो इतना कठिन पर्व छठ पर्व करती है अपने बेटे, अपने बेटियां, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये इतना कठिन छठ पर्व करती है। तीन दिवसीय बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए 3 दिन तक वो भूखी रहती है। नदी के बीच में शाम के टाइम में और सुबह नदी के बीच में खड़ी होती है और अर्घ देती है सूर्य भगवान को, डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को। ये बिहार ऐसा है जहाँ पे डूबते सूर्य को भी पूजा जाता है। तो जय बिहार, और रियली सैल्यूट है उन लेडीज़ को, मेरी मम्मी, मेरी दादी, आप सबकी मम्मी, आप सबकी दादी को जो इतना कठिन पर्व करती है बस अपने बेटे, अपने बेटियाँ और अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो हैप्पी छठ पूजा, इस महान आस्था के पर्व छठ पर्व का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी इंजॉय करें, गर्दा उड़ाएं, पटाखा ज़्यादा ना जलाएं, जहाँ तक हो सके चाइनीज सामान का उपयोग ना करें। 6 बजे डेली उठते थे, आज 5 बजे उठे हैं क्योंकि बनाना है हमें घाट। हम आ गए घाट पे, चलते हैं दिखाते हैं आपको आगे। बिहार हमें सिखाता है कि सिर्फ उगते सूर्य की नहीं डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है, ताकि सूर्य भगवान फिर से कल निकले और अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशवान कर दे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:10 और अभी हम लोग घाट बना रहे हैं। अभी केला वाला का पौधा जो है वो लगाना है, उसके ऊपर फिर बहुत अच्छी तरह से सजाना है। तो देखते हैं कितने बजे तक हम लोग घाट सजाते हैं। अभी सब देख रहे हैं, आप पीछे काम कर रहे हैं और हम भी काम करके कुछ आए हैं। तो अभी सब नदी को साफ़ करना है, नदी के अंदर जितना भी गंदगी होता है उस सबको साफ़ करना होता है। वो सब चीज़ साफ़ करके हम लोग बाहर निकालते हैं क्योंकि नदी को स्वच्छ रखना है। आप भी प्लीज़ नदी को स्वच्छ रखें, नदी में कुछ भी ना फेंके, कोई भी प्लास्टिक जैसा चीज़ ना फेंके। सबसे पहले यहाँ पड़ा हुआ है केला का पौधा, ये सब लगेगा इस घाट के किनारे पे। देखने में बहुत अच्छा लगता है जब घाट बन जाता है। अभी सब बना रहे हैं घाट, देख सकते हो आप नदी कितना स्वच्छ लग रहा है रिवर वहाँ से। लोग अपना घाट बना लिए, अब लाइट वाइट लगाना है जो कुछ देर बाद आके लगाएंगे। देख सकते हो आप पीछे, हम लोगों का घाट बन गया, छठ घाट। चलते हैं घर पीछे। तो अभी हम आ गए हैं छठ घाट पर, जो कि आज संध्या घाट है और कल भोरबा घाट होगा, यानी सुबह का घाट। तो अभी है संध्या घाट, हम लोग घर से चले 2 बजे, अभी बज रहा है 4। ये दिखाते हैं आपको छठ घाट का सीन। वो केला का पत्ता, वो छठ घाट का सौंदर्य, वो आटे और मिठा का ठेकुआ, मम्मा का प्यार, दादी का दुलार, छठ घाट फिर से चला गया यार। तो हम लोग आ गए घर पे, अब घर पे जगेगा डाला 11-12 बजे रात को। तो उसके बाद फिर से 2-3 बजे रात को, यानी आप मॉर्निंग में कह लो या रात में कह लो, चलेंगे फिर भोरबा घाट के लिए। बने रहिए वीडियो में।
अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है सुबह का, 2 AM। तो अभी हम लोग है सुबह के जो घाट होता है उस घाट पे। तो अब कुछ पलों में छठ खत्म हो जाएगी, 6 बजे या 6:30 अप्रॉक्स सूर्योदय होगा और छठ पर्व खत्म हो जाएगी। जो लेडीज पर्व करती है वो अपना कुछ खाकर पारण करके वो अपना पर्व को खत्म करेगी। अभी जो 2 बज रहा है हम लोग घर से आ गए हैं घाट पे और चलते हैं आपको दिखाते हैं घाट का दृश्य। जब आप कभी अपने माथे पे दौड़ा और कंधे पे ईख रख के घर से बाहर निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आखिर हम बिहारी होने पे गर्व क्यों करते हैं। आज भले ही भुड़वा घाट है, आज छठ पर्व हो जाएगी समाप्त, पर हम बिहारियों के लिए छठ पर्व कभी समाप्त नहीं होने वाली। हम फिर से इंतजार करेंगे 1 साल उस दिन का, और फिर से चाहे हो हम किसी देश में कहीं भी, पर हम फिर से आएंगे बिहार, फिर से मनाएंगे छठ, फिर से इंजॉय करेंगे बहुत सारा। हमें इंतजार रहेगा मैया आपका। जय छठी मैया। तो मेरे पास है ये बम, वहाँ पे सब सेक रहे हैं आग, चलते हैं कुछ प्रैंक करते हैं। उस भाग बार बार पूजा भाग। पानी में ओ पानी में आग, आखिर हम लोग लगा दिए। तो हमको प्रसाद भी मिल गया, अब खाएंगे प्रसाद। छठ तो ऐसे भी अब खत्म ही हो गया। तो प्रसाद में हमको मिला है केला, ठेकुआ, जो कि बिहार का एक तरह से छठ पर्व में फेमस, एक तरह से कह लो आप, ठेकुआ और पेरुकिया, ये मिला है प्रसाद में। छठ खत्म हो गया, डाला सब उठाकर अब घर ले जाएंगे। तो मैंने, मुझसे जितना हुआ मैं उतना कवर किया इस छठ पर्व में, क्योंकि अभी सब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी मैं टाइम निकाल के ब्लॉग बनाया। तो हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।